तो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैं इंटीग्रेशन का 9 पार्ट डाल चुका हूँ और ये पार्ट नंबर 10 है। इससे पहले मैंने एक क्वाड्रेटिक का भी वीडियो डाला था, उसे जरूर देख लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 0 से π/2 log sin x इज इक्वल टू 0 से π/2 log cos x। दोनों में से कुछ भी रहेगा तो आपका जो रिजल्ट होता है -π/2 log 2। ये रिजल्ट अपने दिमाग में हमेशा फीड कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप। 0 से π/4 tan nx dx प्लस 0 से π/4 tan n-1 dx इज इक्वल टू 1 n-1। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ख़तरनाक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आप किसी भी बुक में नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत ही रिलेबल सोर्स से लिया गया है। और दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे और ये आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और जब ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो लोग को पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाता है। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपका 2-3 पेज बर्बाद जाएगा। अगर आप रियल सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, देखिए नीचे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। 0 से π/4 tan 5x dx प्लस 0 से π/4 tan 7x dx। दोस्तों ये टाइप का कॉन्सेप्ट 2020 में NDA में पूछा गया था। और दोस्तों देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और ये आसानी से बन जाएगा। 1 और n-1। दोस्तों यहाँ पे n क्या है, इन इस दोनों के बीच में जो नंबर होगा वही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 1/6 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ n-1। तो आपका सबसे बड़ा n क्या है, 7 है, उसमें से -1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो दोस्तों कितना आसान कॉन्सेप्ट है, देखिए मात्र 2 सेकेंड में ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, 0 से π/dx 1+e sin x। दोस्तों इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर इसका बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो इसकी वैल्यू π/2 होती है। आप इसको याद कर ले, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जब आएंगे तो सीधा आप इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं और आसानी से आप पेपर क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसको tan inverse xy करके सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसमें करना कुछ भी नहीं है, बस π/2a कर देना है। और अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वो देख लीजिए। 0 से π/dx x² + 5x². दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, ऊपर पाई और 2 और a के जगह पर क्या दिया हुआ, 5, तो π/10 इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मेरा शॉर्ट ट्रिक आपको कैसा लगा मेरे चैनल में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इस तरह का वीडियो आपको और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।